गोरी मैम आ रखी है। ओहो गोरी मैम, बारिश स्टार्ट हो गई यार। चढ़ जा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से हम एंट्री कर रहे हैं ना, सीरियसली। OMG, वेलकम टू यू द्रास, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। तो हमारे को देख के रेट पहले ही बढ़ जाते हैं। सो गाइस, वी आर एट कारगिल वॉर मेमोरियल। भाई स्पीड ड्रॉप हुई थी अभी। प्राचीन शिव मंदिर, हर हर महादेव, वॉर मेमोरियल देख सकते हम। नीचे खड़े करनी चाहिए। गुमरी द्रास लद्दाख जोशीला, ये शिव मंदिर एंड वॉर मेमोरियल। अब ये ना बॉर्डर पे हम, तो जो ये पीछे जोशीला था, जोशीला पहाड़ी, ठीक है, जीरो पॉइंट आया। अभी हम गुमरी में हैं, देन लद्दाख के पहाड़ियों की स्टार्टिंग हो चुकी है, लद्दाख की एंट्री। अब वो वहाँ पे पथरीले वाले पहाड़ होंगे, जो आपने पीछे देखे वो हरे भरे पहाड़ थे, वो कश्मीर, और देन ये लद्दाख, दोनों ही अलग टेरिटरीज पड़ जाती हैं। और सामने पिछले कुछ पहाड़ों में बर्फ वर्फ भी पड़ी हुई थी बहुत, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पहाड़ ही मतलब चिकने वाले हैं, पत्थर वाले पथरीले। ये देख रहे हो यहाँ पे फिर भी थोड़ी बहुत हरियाली है, और एकदम से ही आपका देख रहे हो सिनेरियो, मतलब बिल्कुल सीनरी चेंज ही हो गई है, आप समझ सकते हो। और एयरटेल 4G के यहाँ पे लिखा है, नेटवर्क आते हैं, और नीचे कैंपिंग वैम्पिंग चल रही है, सही है यार। और लोग हमारे को देख के भाई बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, भाई सब मतलब डर लग रहा है यार। क्यों? क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई यार। भाई साहब जो हम सोचे थे कि ना हो वही चीज हो रहा है। चलो यार कैमरा अंदर रख देते हैं, बाद में मिलते हैं आगे। अभी कैसी चल रही राइड अभी तक? राइड तो देखो बहुत अच्छी है, जैसे मैंने सोचा था वो सब हो रहा है। पहली बार आया था तो उस हिसाब से चला था। मैं राइड खत्म करने के बाद बोलना चाह रहा था, बट मैं अभी बोल देता हूँ। लोगों ने इतना डिमोटिवेट किया बाइक को लेके, क्लाइमेट को लेके। हमारे पास मौका है कि हम फोटोज वीडियो बना के रखेंगे, फ्रेम वेम बनाएंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई लोग ले लद्दाख गए थे, कौन सी गाड़ी से गए थे, क्या एज में गए थे, क्या सर्वाइव किया, सब कुछ आपको पता चलेगा। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, मुझे बहुत लोगों ने डीमोटिवेट करा, किस लिए इस गाड़ी को लेकर आपको हर एक चीज़ बारे में पता लगेगा कि हम किस लिए, इस एक्टिवा 5G 2018 मॉडल है, इसमें हम कैसे सरवाइव कर रहे हैं, पीछे भी जोशीला पास से कैसे हम आए, आपको वीडियो में पता ही लग जाएगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो फ्यूचर में आप भी कर सकते हैं। आप मेहनत करो, उतनी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, उतनी उठ नहीं दिखाई दे रहा कैमरा में, नहीं आ रहा कोई नहीं। चलो मिलते हैं, और वेदर भी अच्छा हो रहा है, लद्दाख की वादियों में एंट्री। कारगिल रोड, और ये आ गया, पहले वो देखो पुराना पुल हुआ करता था, और अब ये नया बन गया यार। लद्दाख ऑलवेज यार दिल में बसा हुआ है, लद्दाख एंट्री करवानी पड़ेगी। द्रास है 25 किलोमीटर, कारगिल है 84, मुबलेक 122, ले 313, पानीकर 149, परचक 169, रांगदुम और पाडुम 204, 325। यहाँ पे लगता है एंट्री करानी पड़ेगी भाई। कहाँ पे? हाँ जी गोरी मैम आ रखी है। ओहो गोरी मैम, यहाँ से देखो दिल्ली है 1006 किलोमीटर। अच्छा आगे जाम मिल जाएगा, आगे नहीं गाड़ी आ रही है ना। ओके लद्दाख यही है, ऐसे ऐसे पहाड़ हैं, बिल्कुल प्लेन सड़क ऐसे, बड़ा पहाड़ जब जो चढ़ते हैं वो खतरनाक है। और पीछे आर्मी का खून वो आ रहे हैं, और आगे भी खून वो आ गया था, अब मजेदार अब आगे सड़क बकाने वाली। यहाँ गाड़ी चलाने का क्या ही मजा आ रहा है यार, 60-70, अब जाके इतनी देर बाद पहाड़ों में यहाँ पे भाग दिया। जय हिंद सो। वाही सा क्या नदी है यार, मतलब नज़ारा ही अलग है।
गाड़ी, ऐसे ऐसे आवाज कर रहे हैं यार। और आगे 30 किलोमीटर बाद अपना स्टे आ जाएगा, तो आराम से हम पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार। दृश्य जो है ना यहाँ का, दृश्य बहुत ही अलग है। वो जो दृष्टि चाहिए ना यार, कसम से वो नजरिया बहुत ही अलग है यार यहाँ का। बिल्कुल ही मतलब एक सच्ची जन्नत वो यही है यार। पता क्या रहा है, दिन पर दिन पहले जम्मू अच्छा लगने लगा, देन कश्मीर, देन लद्दाख, वही तीनों ही ऐसे एक से बढ़कर एक आगे। एंड आज हम वॉर मेमोरियल के पास ही रुकेंगे, द्रास में, कारगिल वॉर मेमोरियल। डोनेट ब्लड नॉट ऑन दी रोड्स, ये है लद्दाख के सड़कें सीधी, जहाँ तक हमारी नज़र भी नहीं जाती ना, उससे दूर हमारी इंडियन आर्मी की नज़रें होती हैं कई हजार गुना। भाई सामने बहुत सारी हॉट स्पॉट्स आ गई हैं। मतियान 1 किलोमीटर, आपका स्वागत है एक विलेज के अंदर, प्यारे से लद्दाख के विलेज में, होटल गेटवे मतियान, जेके टूरिज्म वेलकम यू, ढाबा मैगी ऑमलेट, कितना ही प्यारा यार। बहुत ही कम लोग हैं, कुछ गिने चुने ही घर हैं, बड़ा यही गिने चुने घर में ही लोग रहते हैं यार। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे काम काज कैसे करते होंगे, क्या होता होगा, कुछ नहीं पता। कहाँ इतने ऊपर सामान लेके आना कितना महंगा पड़ता होगा यार। और छोटे से विलेज को करते हैं बाय बाय एंड आगे निकलते हैं यार। एक तरफ देख रहे हो कैसे पहाड़ हैं, मतलब ब्राउन कलर, और एक तरफ सिल्वर, दोनों ही अलग अलग हैं। पीछे काले काले पहाड़, ओहो हो, देख रहे हो, डेंजरस, बड़ी खतरनाक रोड है। इस पत्थर में ना गाड़ी फिसल जाती है। अब आगे जा रहा आदमी का कॉन्वे, अब हमारे को मिल जाएगा जाम। सरबत भला पंजाब की गड्डी। भाई हमारी गाड़ी पावर तो ले रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे ट्रक है तो इसलिए हम धीरे रखी हुई है। बस यहाँ पे ब्रेक मारी तुमने स्पीड के अंदर, या ऐसे ही जो इतनी चल रही है फिसल जाऊंगे, ब्रेक इतने नहीं मारने। और देख रहे हो कितना मिट्टी उड़ रही है। जब आप सड़क पे होते हो ना, आप अपने आप को बचाओ ना कि अपने टाइम को। पावर आ जा और चढ़ गई पीतो। ले 294 द्रास है यहाँ से 7 किलोमीटर। सैल्यूट टू आर ब्रेव सोल्जर्स, उनको सैल्यूट है दिल से, कि सर ऐसी जगह पे इस जन्नत को जन्नत बनाए रखना उनका बड़ा श्रेय है इसमें। बहुत उनके हेल्प है तभी आज जन्नत बनी हुई है, तो सैल्यूट बनता उनके लिए। और हाँ गाइस, यहाँ पे बियर्स, नील गाय, ये तो कैसे देख रहे हो ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से हम एंट्री कर रहे हैं ना। यहाँ पे जानवर होना नॉर्मल है, तो आपके जानवर दिख सकते हैं कभी कुछ पहाड़ों पे। शाम के हो गए भाई 4:30, और यार आपको यहाँ पे लिखा था पीछे, रात को जानवर ना ऐसे सड़कों पे आ ही जाते हैं, तो रात के समय तो यार वैसे ड्राइव ना ही करनी भी चाहिए रात के टाइम में। ये ऐसा एरिया है यहाँ पे ना, दूर दूर तक कोई होता ही नहीं, और प्लेन सड़कें। ओह कितना पुराना पुल है यार, लाल कलर के पहाड़ भाई साहब। और आई थिंक सो मुझे जो सामने दिख रहा है ना, ये द्रास ही दिख रहा है, देख के मजा आ गया यार कसम से। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला चाहना है जिंदगी हो जैसे, समथिंग लाइक दैट, वही वाला गाना याद आ रहा है। बट वो मेरे को इसके लिए प्यार है, इसके लिए मोहब्बत है। और पूरा यार कंधे में ना जैसे गर्दन मोड़ता हूँ तो दर्द हो रही है यार मेरे बहुत। कारगिल बैटल स्कूल द्रास में आपकी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ पे पूछना पड़ेगा स्टे के लिए, क्योंकि 4:30 हो गया, इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाएंगे। व्हाट अ अमेजिंग व्यू, ओ कहते ना OMG, सीरियसली OMG। और पूरी द्रास वहाँ पे वो पूरा बसा हुआ है, मुश्को वैली। बच्चे मिलते ना बहुत अच्छा लगता है,
गाइस मैं मतलब जितनी भी मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ पूरी रो रखना चाहता हूँ कि लाइक पूरी वीडियोस रो हो, कोई इतनी ज़्यादा कटिंग वटिंग ना हो, तो आपको ना पूरा फील आएगा यहाँ की जगह का। यहाँ पे पूछ के आते हैं होटल मिलेगा क्या नहीं। भैया हेलो, क्या प्राइसिंग है? दो जने हम। दो जने? हाँ जी। अरे जनाब इतना नहीं यार, कम करो यार, दो घंटे सोना है फिर सुबह सुबह 4-5 बजे निकल जाना हमने। 1000 तक हो गया लास्ट। देख लो डॉर्मेट्री शेयरिंग वाला सिस्टम वो करवा दो सस्ते में। आप कितना दोगे? आप बताओ कितना लास्ट का। तो बोल दिया ना। सुन शिरीष एक मिनट इधर आ, फिर तू अपना पहले बोलियो 500 रुपये। ठीक है पहले 500 रुपये बोलियो, देन 600 रुपये आ गए। अब बताओ आप कितना कर सकते हो लास्ट? जितना हॉट वाटर नहीं उसको मैं आप। नहीं हमने नहाना नहीं है, नहाना तो है ही नहीं, बस गर्म पानी नहीं चाहिए। कितना कितना हो जाएगा गर्म पानी के साथ? गीजर लगा हुआ है उसको मैं 1000 तक कर सकता हूँ। गीजर नहीं चाहिए? गीजर नहीं चाहिए तो उसको मैं 800 तक कर सकता हूँ। ना तुम्हारी ना मेरी 500 कारगिल यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? 62। फिर तो और फिर यहाँ से कितना होगा? 250। ठीक है मैं आपको अपनी आईडी देता हूँ। सो गाइस गाड़ी सर्विस वाला भी इधर है, गाड़ी सर्विस करा लेता हूँ, बाजू में ही है। हाँ वो देखिए ना टायर वाली, ये सब रखने के बाद सीधा उधर जाते हैं। पहले सर्विस कराए खाना खाए? मेरे सर्विस वाले के पास जाएगा, वो बंद हो जाएगा ना। चल ठीक है, हाँ सुबह सुबह मिल नहीं पाएगा वो। और वैसे यार हमारी डील सही हो गई है ना? हाँ भाई, मतलब हमने 1200 रुपए के कहाँ 600 रुपए आधे करवा दिए। ये लो बच्चे के दे दिए। बच्चा नहीं मेरी है, ये लाइसेंस दिखा दूं? पता है आधार कार्ड पुराना पहले ही बन गया था ना, नया अपडेट कराया है नहीं अभी तक। अच्छा गूगल पे ले लोगे आप? सही है। सो गाइस पहले आप ये देख लो इसकी शक्ल क्या हो रखी है। बिल्कुल मैली, बट ये डर्ट गंदी नहीं लग रही, बहुत प्यारी लग रही है। ये जस्टिफाई करती कि हम कहाँ से होके हैं, कहाँ जा रहे हैं। और ये मिट्टी बहुत प्यारी है यार, इससे प्यार है। एंड यार पीछे तो ऐसे जाम वाम लगा हुआ है द्रास के अंदर, द्रास हुमस जगह का नाम है यहाँ पे। और 3-4 किलोमीटर आगे है वॉर मेमोरियल भी, तो वहाँ पर भी जाएंगे अभी। ठीक है प्लस सॉरी तो यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ, तो गाड़ी की सर्विसिंग करा लेंगे ताकि आगे हमारे को लद्दाख के अंदर मुश्किल ना हो, मतलब आगे खारदुंगला और मिंगला जितने भी पासेस आएंगे वहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है मेरी गाड़ी अब तक आपको बताता हूँ कितनी चली है। ये मेरी दिल्ली से चली हुई है 1056 किलोमीटर 600 मीटर, तो ये टोटल अभी चली है दिल्ली से। प्लस टोटल कितनी चली है वो भी बता देता हूँ, टोटल चल गई 33,037 किलोमीटर। ठीक है जब ये ट्रिप हमारी स्टार्ट हुई थी रोड ट्रिप, उससे मैंने 2 हफ्ते पहले करा चुका था मैं अपनी सर्विस। आज उसको सर्विस हुए हुए 29 डे है, तो मैंने कहा हर महीने जैसे मैं करता ही हूँ सर्विस, तो अब करवा ही लियो, करवा लेते हैं यार। आगे से ऑयल डलवाएंगे, अभी यहाँ पे ऑयल नहीं, बस यहाँ पे चेकिंग वेकिंग हो जाएगी, अपना एयर फिल्टर सब कुछ सही चल रहा है, पेच वेच कोई ढीला तो नहीं है, वो डाइवर्ट हो जाएगा, देन गुड टू गो हो जाएंगे। मैं हूँ मेन मार्केट में एंड भाईजान की दुकान पे हैं, आ सकते हो? जी 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 आ सकते। भाईजान भाई अपना नाम क्या? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद की भाई की दुकान पे है, राजमा चावल है खाने आए हैं। हाँ बड़े भाई ये क्या चीज है? रायता। ये रायता दिया आपने? अच्छा ये आपका होगा कश्मीर का लोकल रायता ना? राइस और राजमा खाएंगे, रेड बीन्स। भाई साहब बहुत थकावट हो गया, भाई मैकेनिक आया नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए खाने खाने। एम भाई की मेरे को एक बात अच्छी लगी, ये जैसे कि बता रहे हैं कि जो करछी होती है ना वेजिटेरियन के लिए इन्होंने अलग रखी हुई है, नॉन वेज के लिए अलग रखी हुई है। मैं नॉन वेज खा तो लेता हूँ बट अभी आज मन नहीं है, तो मैंने क्या सोचा नॉर्मल वेजिटेरियन खाते हैं। ये अपने राजमा आ गए और ये राइस आ गए, ये मतलब यहाँ के लद्दाख के जो टेरिटरी यहाँ का रायता है लोकल। तो यार मैंने ही खाया पहले ही चम्मच, भाई को धन्यवाद यार, थैंक यू ब्रो, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड भाई यहाँ पे बातें कर रहे थे ना, वो शीना लैंग्वेज कर रहे थे, अपने लोकल है कारगिल में, यहाँ पे बात करते द्रास के। जब आप
लद्दाख की साइड में जाते हो तो भाई ने बताया बाटली, बाटली लैंग्वेज होती है, यहाँ पे शीना लैंग्वेज यूज करते हैं, तो दोनों का अलग डिस्टिंग पड़ जाता है। यहाँ का द्रास के आ जाता है कारगिल में, और जो लद्दाख है उसमें अलग आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं बजट ट्रैवलिंग ही करता हूँ मोस्टली, यहाँ पे भी मैंने बजट ट्रैवलिंग करा। भाई ये कितने रुपए प्लेट है? 70 है, 70, तो 70 रुपए की प्लेट है भाई। बजट ट्रैवलिंग करनी है तो ऐसे ही हमारे रोड साइड जितने भी ढाबे होते हैं, शॉप्स होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, वहाँ के लोकल रेट को, क्योंकि आराम आएंगे यार, उनका काम चलेगा और उनके भी घर भर में रोटी वोटी आएगी। अच्छा लगता है कि वो भी एक स्ट्रांगली स्टैंड अप कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, तो उनको भी यार मौका देना चाहिए, तो भाइयों को सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे हम खाना खाते हैं और चलते हैं। एंड यार गाइस, जैसे कि हम देसी रेस्टोरेंट में हैं, मतलब लोकल आइट में, और ये देख रहे हो बड़े बड़े चम्मच यहाँ के लिए अलग है, ये अलग है, इतने बड़े कटोरे में एक बाटे में दिया है। और द्रास को मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ये द्रास। द्रास सबसे ठंडी जगह है दुनिया के अंदर। और जब गाड़ी चला रहा था ना, थोड़ी थोड़ी देर भाई ठंड लगी रही थी। यहाँ पे जो सर्विस कराने का मतलब होता है धुलाई, वॉशिंग नहीं करानी होती हमारे को, करानी है ऑयल चेंज कराना, तो यहाँ पे ऑयल पानी ऐसे बोलते हैं, सर्विस चेंज करनी है, ऑयल पानी है भाई यहाँ पे यही बोलते हैं ना, ऑयल चेंज करवानी है, ऑयल बोलते हैं यहाँ पे, ऑयल चेंज कराना था, प्रॉपर पूरी सर्विस नहीं होती यहाँ, बस ऑयल वॉयल चेंज हो जाता है, प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि अभी उतने टूल्स उतना ताम झाम यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो इतने इतनी हाइट पे बहुत कम होते हैं रिसोर्सेज। सो गाइज, अपने होटल से निकल के हमने खाना वाना खा लिया था और आगे गए थे, तो वहाँ पे ऑयल तो चेंज हुआ नहीं, अब आगे ही कराएंगे। देन अब हम निकल चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के लिए, तो वॉर मेमोरियल जाएंगे, देखो फोटो वीडियो अलाउड होगी तो बना लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं कर पाएंगे भाई। यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं इसके साथ। लद्दाख टूरिज्म, वेलकम टू यू द्रास, द सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। गाइज, ये पूरी द्रास की पूरी ऐसे मार्केट है, आप देख सकते हो आगे एक होटल है, ये डी मेडियोस, यहाँ के लोकल लोग सजेस्ट कर रहे थे, पर देखने में तो यार ये बजट से बाहर वाला होटल लग रहा है। क्यों, ये बजट से बाहर होगा ना अपने, कम से 1200-1500 मैं तो लग रहा, 2000 भी ले सकते हैं, क्योंकि व्यू वाले चक्कर के। और भाई पता क्या, हाँ रूम तो अच्छे बने हुए हैं डी मेडियोस। ओहो, फिर पता क्या, एक आपको मैं मिथ बताता हूँ कि मिथ क्या है, या फिर लोगों ने सोच रखा है, ये तूने भी नोटिस करा होगा, जैसे हम मोटो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, तो हमारे को देख के रेट पहले से बढ़ जाते हैं, हमारे को देख के ना, हमारे देखे कैमरा वैमरे लगे हैं, यहाँ यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, गाड़ी वाड़ी से आए, तो हमारे को देख के ही पैसे पहले डबल ट्रिपल कर देते हैं। और कई बार ये बोलते हैं कि सर आपको तो व्यू की भी रिक्वायरमेंट होगी ना, तो व्यू के लिए आपको महंगा पड़ेगा, ये पड़ेगा, वो पड़ेगा, तो ऐसे बातें बहुत होती है। ये बातें ना मेरे साथ मनाली में जरूर हुई थी, तो ऐसा होता रहता है। 3000 किलोमीटर मेरी भी गाड़ी चल चुकी है जब से मैंने सर्विस कराई है, 1060 किलोमीटर मैंने वैसे लद्दाख के अंदर चला दिए, मतलब दिल्ली टू यहाँ तक द्रास तक। कारगिल वॉर मेमोरियल, जय हिंद गाइस, वंदे मातरम, और भारत माता की जय। यार हेलमेट अलाउड नहीं है। द रीज़न बिहाइंड आर फ्लाइंग इंडियन फ्लैग इज नॉट द विंड बिहाइंड इट, बट इट इज़ द ब्रीथ ऑफ ईच एंड एवरी सोल्जर विच कीप इट्स फ्लाइंग हाई। जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइज, वी आर एट कारगिल वॉर मेमोरियल, द्रास से 6 किलोमीटर आगे है, यहाँ एंट्री करवाते हैं, एंट्री करा के अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी, देन आगे चलते हैं। पूरा कारगिल वॉर का बता रखा है कि कैसे क्या हुआ था, बटरा टॉप, राइनो हॉर्न, टाइगर हिल, टोलोलिंग टॉप, ये नहीं मतलब जो आपके टॉप देख रहे हो ना, इन्हीं पे लड़ाइयाँ हुई होती, युद्ध हुई थी। प्लीज़ मेंटेन साइलेंस डेकोरम इन दी वॉर मेमोरियल, विजय पथ। भाई साहब कितनी यार कुर्बानियाँ हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं, कैप्टन किशिंग क्लिफोर्ड नॉर्गम, महावीर चक्र, 99 की युद्ध में ये भी शहीद हुए थे 30 जून, कैप्टन निक जोहो किंग रूसी, अगर भाई नाम मैं गलत बोल रहा हूँ तो इग्नोर करना, माफ़ी मांगता हूँ, इनको भी महावीर चक्र अवार्डेड करा गया है। और ये अपना इंडियन हंटर विमान है ये, आपने बहुत सारी पिक्चर्स में देखा होगा, बहुत सारी
मूवीज में देखा होता है, ये हंटर विमान है जो कि अपना 71 की भी लड़ाई में यूज हुआ हुआ था, देन 99 की भी लड़ाई में ये यूज हुआ है, हंटर विमान है। और भाई मैं अपने कैमरे के ना माइक्रोफोन नहीं लेके आया, तो सीधा ऐसे डायरेक्ट बना रहा हूँ, तो थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी कम होगी। और इनका तो नाम से मैंने बहुत सुना है, कैप्टन अनुज नायर। और ऐसे बहुत सारे कहीं, जैसे विक्रम बत्रा जी, जिनके ऊपर अभी पिक्चर भी आई है तो आपने देखा होगा, राजेश सिंह अधिकारी, महावीर चक्र, वो आर्टिलरी कैप्टन विक्रम बत्रा, इनके बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता यार। NDA पास आउट है भाई साहब, बहुत यार क्या ही, मैं ना थोड़ा इमोशनल हो जाऊँगा तो समझ रहे हो ना। अकॉर्डिंग टू आर इंटेलिजेंस एस्टिमेट देयर पाकिस्तानी आर्मी सफर्ड ओवर 737 कैजुअल्टीज हो, ठीक है, ड्यू टू आर आर्टिलरी फायर ड्यूरिंग कारगिल कॉन्फ्लिक्ट। कारगिल के युद्ध में इसी ने कितने को दिखा दिया कि बल कितना है हिंदुस्तान के हाथों में, कितना कंधों में बल है इसने दिखा दिया था। और पूरा अंधेरा हो गया। वाहेगुरु, देख रहे हो ये सबके मतलब शहादत के लिए, वाही साहब कितने सारे शहीद, माई गुडनेस, वाही साहब ये देख के मैं पूरा हिल गया हूँ। वीरभूमि इन द मेमोरी ऑफ 3973-3979553 HAV WM दिलबाग सिंह ऑफ 9 डोगरा हु मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस वाइल सर्विंग द नेशन ऑन द 11 अक्टूबर 2005-2019-18 मतलब बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं भाई साहब। मेरे को एक पर्टिकुलर इसका शब्द नहीं आ रहा है, इनको मैं कैसे जस्टिफाइज करूं, मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, बट ये हमारे वीर जवान शहीद हैं, ये हमेशा के लिए अमर रहेंगे भाई, इनके लिए सच्ची मेरा दिल से सल्यूट है। ऊपर वाले इनको शांति दे, अपने चरणों में पास रखे। एंट्री के लिए यार कोई पैसे नहीं है, जस्ट आपकी सिर्फ ID कार्ड देखी जाएगी, देन नथिंग, आप जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो शूट करनी है तो आपको 50 rupees पे करने होते हैं। और म्यूजियम होते हैं, म्यूजियम अभी बंद हो गया है, कोई नहीं जो भी है अच्छा है, बस निकलते हैं और अब यहाँ से सीधा होटल जाएंगे अपने और सो जाएंगे अपना काम वाम, तो सीधा चलते हैं यार। एंड जो पीछे देख रहे थे आप वीर भूमि, जितने भी यहाँ पे ड्यूटी करते हुए जो सर्विस करते हुए 1947 से अब तक जितने भी शहीद हो गए हैं के लिए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वीर भूमि अंदर बना रखी है। 393 अभी शहीद हमारे भाई हैं, ये यहाँ के अंदर की इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। जो हमने इसकी लाइट लगवाई थी, ठीक है, वो अब पता लगेगी कितनी कारीगर है या नहीं। ओह माय गुडनेस, देख रहा है इसकी टांग, डर लग रहा है, बंद फट रही है। लाइट ना होती ना तो रास्ता मुझे दिखता नहीं, पता क्यों, क्योंकि जब मैं मनाली से चंडीगढ़ गया था, पूरा पहाड़ी इलाका है तो हमारे को दिख ही नहीं रहा था, तो मैं इसकी जो स्टॉक लाइट है वो बड़ी ही बकवास थी यार। बट यार ऐसे एरिया में है, सेंसिटिव एरिया में हम हैं, और इतने रात के 7:50 हो रहे, बताओ। ये अगर ये भी नहीं होता ना जो पिलर से लगे हैं हाईलाइट करने वाले रास्ते, अगर ये ना होता तो कुछ पता ही नहीं लगता सड़कों का। दिन में घूमना एक अलग बात है, यहाँ पे रात के लिए यार स्कैरी भी है, डरावना सा और मजेदार भी है। डरावने में जब बंदे ने फाड़ दी और उसको मजा भी आ रहा था ना, ये वो वाली फीलिंग आ रही है मुझे, तो थोड़ा बहुत डर लग रहा है, बट इसका एक अपना मजा भी है यार, अपना ही क्रेज है, अपना ही मजा है, क्योंकि जब सामने से आ जाता तो भाई तो लाइट डिम कर लेनी चाहिए। ये देख रहे हो सब समझदारी से चल रहे हैं, बहुत प्यार से, ये मजा आता है। ये मैंने देखा, नोटिस करा कि पहाड़ों में जो अच्छे ड्राइवर्स होते हैं ना वो यही करते हैं, पहले अगर अब हमारे के सामने कोई नहीं है तो मैं हाई बीम पे चल सकता हूँ, जब सामने से कोई आता है तो देन मैं लो बीम कर देता हूँ। भाई स्पीड ड्रॉप हुई थी अभी और इसमें पेट्रोल भरवाने वाला हो गया, पेट्रोल पंप ये रहा 20-30 ऐसे चल रही अभी तो। और हमने आज जो होटल लिया ना वो एंट्री करते ही द्रास में ले लिया, वैसे 600 rupees का पड़ा है अभी के लिए, क्योंकि हमने बार्गेनिंग करी है, प्लस कुछ चीज़ें होती हैं जो यार कि आपका उसी वक्त उस कम में हो सकता है, अगर आप किसी और टाइम में आ रहे हो और एक एक दो दो साल बाद आ रहे हो तो फिर वो उतने का मिले ना मिले मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं जस्ट अभी की करंट सिचुएशन के हिसाब से। वैसे भी हमारे को 1200 rupees का कमरा था, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको हमने बताया कि यार हम बजट ट्रैवलिंग पे ऐसे से बात है इतना कर नहीं सकते, देन उन्होंने हमारी मदद करी। हिट लाइक डू सब्सक्राइब गाइस।
चलो जी पहुंच गए हम आशियाने में। एक दो तीन हाई करो मेहर करी सच पातशाह सामने कोने में रख दे। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा हम श्रीनगर से चलते चलते श्रीनगर से चलते चलते आए द्रास सेक्टर और आज की राइड जो रही है ना करीब 150 किलोमीटर के नियर बाय में हमने करी है, ज्यादा नहीं करी बट करते करते भी हमारे को शाम के 5 बज गए थे। एंड द्रास पहुंचते ही भाई बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी और क्यों हुई थी पता है, क्योंकि हमने जोजिला पास जो पास करा था भाई बिल्कुल ही स्लोश वाला था, वाटर क्रॉसिंग बहुत कुछ आया। क्या ही मैं बताऊँ उसके बारे में, आपने जैसे की वीडियो में देखा ही है आफ्टर डेट कैप्टन बाबा मोड़ शिव शंकर जी का मंदिर। शाम को हम पहुंचे हैं द्रास, अपना छोटा मोटा जो काम करना था जैसे कि सर्विसिंग करानी थी वो हो नहीं पाई, खाना ना खाया, कारगिल वॉर मेमोरियल घूमे देन वापसी। यार कल हम जाने वाले हैं लेह ठीक है, और कल कुछ 300 किलोमीटर राइड करनी है तो कल के लिए बहुत टफेस्ट डे होने वाला है। और इंस्टाग्राम पे भी भाई वहाँ पे भी फॉलो करो प्लीज वहाँ पे, बिकॉज हम क्या करते हैं अपने करंट स्टेटस सब कुछ आपको पता लगेगा, नॉलेजेबल वहाँ पे भी चीजें हम कई बार शेयर करते रहते हैं। वहाँ पे भी वहाँ को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को SSA Films। ठीक है मिलते हैं नवी वीडियो से, सारा नुसा प्यार भरी मेरे वालों, जय हिंद वंदे मातरम गाइस।